अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज जनाब हम करेंगे सिंपल शर्ट की कटिंग करेंगे, जो बहुत ही सादा और आसान तरीके से है। तो जो लोग बिगनर्स हैं और नहीं सीना जानते हैं या पहली दफ़ा सीएंगे, तो इस स्टाइल में कटिंग करना उनके लिए बेहद आसान रहेगा। वीडियो एंड तक देखें, उसमें मैंने स्टिचिंग के स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें एक्सप्लेन किए हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगी इसकी स्टिचिंग करना भी। पर उस सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। कुर्ती के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसमें से मैंने स्लीव्स का साइज़ पहले से निकाल लिया है। मैं अपने लिए इस कुर्ती का साइज़ ले रही हूँ। आपको जो अपनी कुर्ती साइज़ में आपको बेहतर लगे, शोल्डर है और उसकी जितने भी जो साइज़ है आपको सबसे अच्छे लगे, आप उसी को इस्तेमाल करें, ताकि उसी साइज़ की कुर्ती आप अपनी बना सकें। तो इसकी जो कुर्ती है, ये मुझे बिल्कुल, इसकी शोल्डर है, इसकी स्लीव्स वगैरह हर चीज़ मुझे बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी साइज़ के लिए। कुर्ती की कटिंग करते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि घड़े कपड़े के अंदर इसकी कटिंग होगी और रेब कपड़े में इसकी कटिंग नहीं होगी, और बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। 4-फोल्ड फैब्रिक मैंने लिया है, देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस फैब्रिक को बिल्कुल सीधा करना है, और सीधा करने के बाद उसकी जो साइज़ की कुर्ती है उसको बिल्कुल उसी अंदाज़ में इसके ऊपर रख देना है। उसके सेंटर बिल्कुल सेंटर में ही रहे, दोनों को आपस में बिल्कुल बराबर उसको जोड़ना है, और कुर्ती को भी बहुत अच्छे तरीके से इसे हर तरह से सेट कर लें, बिल्कुल साइज़ इसके अंदर कंप्लीट आ जाए। अच्छी तरीके से सेट करने के बाद आपने लेंथ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लेंथ आपको इसकी कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है, आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हैं। चेस्ट देख लें, ये नॉर्मल या मीडियम, समझे कि मीडियम और स्मॉल साइज़ की कुर्ती है, इसी साइज़ में मुझे बनाना है और इतने ही साइज़ के अंदर। इंची टेप का इसमें मैं कोई काम नहीं है इतना ज़्यादा। पहले तो हम 3 जगहों पर इसकी मार्किंग करेंगे, चेस्ट के साइज़ के लिए, वेस्ट के साइज़ के लिए और हिप की जगह पर, ताकि इन जगह पर हमने सिलाई निकालनी है या फिक्स करनी है, यहाँ ही तक ही इसी में ही सिलाई करनी है जो हमें करनी है। देखिए, यहीं से ही मैंने इसको, जो इसका साइज़ है सेम एग्जिट इसी के ऊपर ही मार्क किया है। आपने भी जो आपका साइज़ है आप उस पर इसी तरीके से मार्क करेंगे, और शोल्डर की तरफ बिल्कुल हल्का सा तिरछा कटिंग करना है। आप इसको कटिंग के वक्त जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बस इसमें से जितना स्टिचिंग में जाता है फैब्रिक, बस उतना ही लिया है। आर्म होल की मार्किंग को हम आखिर में देखेंगे किस तरीके से हम उसको सेट करते हैं। देखिए, बिल्कुल उसी साइज़ को हमने मार्क किया है जो कुर्ती का साइज़ है, बस उसमें हमने स्टिचिंग के लिए 2 इंचेस मज़ीद बढ़ाया है। आप अंदाजन भी लगा सकते हैं, इंची टेप से लगाना चाहें थोड़ा सा निकाल कर, तो आप वैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। वेस्ट से मिलाएंगे, फिर इसी तरीके से हिप के साइज़ से आप इसको मिला देंगे। हो सकता है मार्किंग आप इसको इतनी ज़्यादा अच्छी क्लियर नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन समझने में कटिंग के वक्त आप इसको बहुत अच्छा सा देख सकते हैं। बस ये इतना सा नीचे से मुड़ा है कि जितने यही साइज़ की बन जाएगी। अब यहाँ पर शोल्डर का जो साइज़ है, जो भी साइज़ आपने इसके ऊपर मार्क किया था, उसमें से हल्का सा तराशना है। ऊपर देखें, बिल्कुल ज़रा सा मैंने क्रॉस किया है, ज़्यादा नहीं, जितना के अंदर सिलाई में आ जाए। अब आर्म होल को हमने किस तरीके से सेट करना है, उसके लिए आप इंच टेप का मदद से करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप उसके लिए कोई स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। 7.5 इंच के मेरे शोल्डर कटे हैं, जितने ही शोल्डर हैं उतने ही मैंने नीचे निकाल दिया थोड़े से साइज़ के लिए, जितने में चेस्ट का साइज़ का हमने मार्क किया था, और उस निशान को हमने मिला दिया है बिल्कुल स्ट्रेट। और इसी तरीके से यहाँ से फिर मैंने चेस्ट के जो मार्क किया था उसको हमने मिला दिया। अब ये 1 इंच का फासला, 1.5 इंच के फासले से हमने हल्का सा कर्व दे देना है। राउंड शेप आप वैसे भी खुद से भी दे सकते हैं, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, आपने इस मार्क कर दिया। अच्छा, इसमें हमने कोई डबल मार्क नहीं किया है, सिंगल मार्क है स्टिचिंग का। कमर की, वेस्ट और हिप के लिए हम डबल मार्क करते हैं, क्योंकि कटिंग का और सिलाई का अलग होता है, लेकिन आर्म होल के लिए हम ऐसे नहीं करते हैं, उसके लिए सिंगल ही निशान लगाते हैं। अब मैंने, देखेंगे, जो कटिंग के लिए जो एरिया अलग किया था, निशान लगाया था, उसको कट करके पूरे मैंने अलहदा कर दिया है।
क्योंकि बाज दफ़ा बिगनर्स होते हैं, नहीं सीखने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो निशान लगा रहे होते हैं, जो मार्क कर रहे होते हैं फिटिंग का या स्टिचिंग का, उसी को वो कट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये फिर साइज़ ख़राब हो जाता है और समझे कि वेस्ट हो जाता है हमारा फैब्रिक। तो इसलिए यहाँ से फैब्रिक का ये ध्यान रखना ज़रूरी है। शोल्डर से भी बिल्कुल जिस तरह से क्रॉस हल्का सा कट मार्क किया था, उसको भी इसी तरीके से अलहदा से कर दिया है। स्टिचिंग का हमने पहले से आपने देखा था कि अलहदा से निकाल लिया था, कुछ इस तरीके से कटिंग अलहदा कर लेनी है। अब इसमें फ्रंट का साइज़ हमें अलग करना है, जिसमें हमने मार्किंग की है, या दोनों में से जो भी हिस्सा आपने फ्रंट के लिए यूज़ करना है, आपको वो हिस्सा अलहदा करके, वो पार्ट अलग करके उसमें डीप कटिंग करनी है हमने आर्म होल की। ये भी आप अंदाजन आधी इंच तक की ये कटिंग है, हल्का सा क्रॉस है, आप अंदाजन करना चाहें तो कर ले, वरना मैंने आर्म होल की मुकम्मल एक वीडियो अपनी चैनल पर अपलोड की हुई, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल हल्का सा ऊपर से एग्जिट लेना है और नीप बिल्कुल सेंटर से इसको थोड़ा सा डीप कटिंग करनी है। आपको ज़्यादा फिटिंग पहनते हैं तो उसको ज़्यादा डीप कर लें, बस इतना सा ही एरिया मैंने इसमें से अलहदा किया है। तो स्लीव्स अटैच करते वक्त हमें किस चीज़ का ख्याल रखना होगा, ये ज़रूर आप देखिएगा इन वीडियो के एंड में। कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है, अब यही हम इसके स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए जो फैब्रिक हमने अलहदा किया था, बिल्कुल उसको उसी तरीके से फोर फोल्ड करना है। स्लीव्स की भी कटिंग के लिए हमने उसी अपना साइज़ को देखना है, जो साइज़ हमें पसंद आया था कुर्ती के लिए, या जो भी आपको अपनी कुर्ती के लिए जो भी स्लीव्स का साइज़ रखना है, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, और इसी तरीके से जिस तरीके से आपने उसको साइज़ को रखा था, बिल्कुल इसको एग्जिट इसी तरीके से सिलाई अलग अलहदा करके हाफ इंच इस तरीके से जहाँ आर्म होल होता है यहाँ लगाना है, और लगाने के बाद आपने बिल्कुल उसको अच्छे से बिल्कुल सेट कर दें सिलाई के लिए, और यही साइज़ आपको जो चाहिए। देखिए यहाँ पर सिलाई लगी हुई है, इस जगह पर हमने मार्क करना है, ये मार्क तकरीबन 3 इंच का होगा कटिंग के लिए, और ये 3 इंच का जो होता है, हम जब कंप्लीट करते हैं पूरा प्रॉपर कटिंग कर रहे होते हैं, उसमें भी ये 3 इंच का ही लग रहा होता है साइज़, और ये साइज़ स्मॉल साइज़ या मीडियम की कुर्ती के अंदर इतना होता है। हमने हल्का सा इसको क्रॉस किया स्केल की मदद से, बिल्कुल क्रॉस इसी तरीके से किया। इसमें 3 किस्म के मार्क लगेंगे, पहले ऊपर लगेंगे, फिर 2 नीचे और निशान लगेंगे, इनके अंदर ही हमने ऐसा कर्व कटिंग करना है जो आपको बहुत अच्छा सा फ्रंट का साइज़ अलहदा इसमें दे देंगे, अब बहुत अच्छा सा इसमें शेप आएगा। अगर आपको यहाँ वीडियो समझ में ना आए, अगर समझ में आगे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसकी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है, उसको ज़रूर मैं उसकी लिंक अटैच कर दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। वरना कटिंग के लिए आप इसको देखेंगे भी वीडियो को, तो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। साइज़ के लिए सेम इसके साइज़ को वापस हमने रख कर इसका साइज़ भी लग निकाल देना, यही साइज़ है, इसी साइज़ के अंदर हमने बनाना है, तो उसी को मार्क करना है जो इसका साइज़ है, और इसी तरीके से जिस तरह कुर्ती में हमने किया था कि 2 इंच के बाद मज़ीद हमने एक और मार्क किया था कटिंग का, तो इसी तरीके से कटिंग का भी मार्क करना है और उसको कट करके अलहदा करना है। अब यहाँ पर जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, आर्म होल की बिल्कुल राउंड शेप, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा जो स्ट्रेट लाइन है उससे 2 इंच समझे का 1/2 इंच निकालते हुए हमने किया है, फिर जो 2 हिस्सा है ऐसा जो फ्रंट पर आना है उसके अंदर से हमने ये हल्का सा क्रॉस करके निकाला है, जिसके हमने 2 मार्क निकाले थे। तो इसकी स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इजीली समझ सकें इसकी स्टिचिंग को। तो जनाब ये है कुर्ती का फ्रंट का पार्ट, हम उसे कहते हैं जिसमें हमने हल्का सा डीप कटिंग किया है या मार्किंग की है या जो भी, जिसमें हल्का सा डीप कटिंग किया है इसको फ्रंट का पार्ट कहते हैं, जिसमें हम नेक बनाते हैं। और ये चीज़ का एहतियात ज़्यादा लाजमी होती है, क्योंकि फिर फिटिंग वो चीज़ नहीं रहती, वैसी बात नहीं आ रही होती। हम एक ऐसे कुर्ती का शेप ड्रॉ करेंगे जिसमें आपको सही स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले स्टिच होने वाली कौन सी चीज़ होती है और किस तरह से हमने सबसे पहला स्टेप्स लेते हैं। बाज़ दफ़ा करते वक्त यही प्रॉब्लम हो रही होती है, उलझ जाती है कि किस तरीके से हम पहली कुर्ती को कैसे कहेंगे, जो फर्स्ट टाइम सी रहा होता है वो अक्सर उलझ जाता है इस तरीके से। और ये वीडियो है भी उन्हीं बिगनर्स के लिए है जो पहली दफ़ा सी रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो फ्रंट का पार्ट है उस पर हमने इसका नेक बनाना है, ये सबसे पहले हमने कुर्ती में यही करना है कि इसका नेक तैयार करना है। जो भी आपको डिज़ाइन करना है उस हिसाब से आपने इसका नेक तैयार कर लिया।
सेकंड हम इसका शोल्डर जोड़ेंगे जो इसके बैक के पार्ट को जोड़ देगा इसके साथ। तो हमने इसका बैक पार्ट जोड़ना है। दूसरा स्टेप इसका यही है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। स्टिचिंग तो हम देखते ही रहते हैं, कर लेते हैं, लेकिन इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर उसके बाद हमने बैक पार्ट में से बैक नेक बनानी है। बैक नेक की बहुत अच्छी सी वीडियो है, उसकी भी लिंक अटैच कर देती हूँ ताकि आपको वहाँ से भी इसकी वीडियो मिल जाए आराम से देखने के लिए। बैक नेक तैयार कर दी है, इसकी नेक की अलहदा से भी वीडियो अपलोड किया है, उसकी भी लिंक अटैच कर देती हूँ, तो आपको उसका नेक किस तरीके से तैयार हुआ है वो भी देखेंगे। स्लीव्स को हम दो तरह से अटैच करते हैं। एक तरीके में तो हम क्या करते हैं कि पहले साइड की सिलाई लगाते हैं, ये चौथे नंबर पर हम ये करेंगे। इसी तरीके से पहले आपको समझा देते हैं कि उसके बाद हम इसकी स्लीव जोड़ सकेंगे। फिर साइड के लिए हम चौथे नंबर पर इसकी सिलाई लगानी जो हिप तक लगेगी, और फिर उसके बाद ही हम इसकी स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। तो इसलिए जब चौथे नंबर पर जब हम साइड की सिलाई लगाएंगे तो फिर हमें उसके बाद पांचवें नंबर पर स्लीव्स अटैच कर सकते हैं और फिर हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स लगाने के बाद सबसे आखिर में रह जाता है इसका दामन तैयार करना। अब दामन चाक जो है वो एक साथ ही बनेगा। अगर तो आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों की स्टिचिंग आपको बहुत दफ़ा हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल पर जुड़े रहें, वीडियोस को देखा करें। तकरीबन हर ही टॉपिक के ऊपर हमने चाक दामन की स्लीव्स की नेक की डिज़ाइनिंग हर तरह की टॉपिक पर हमने वीडियोज़ अपलोड किए हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई चीज़ रह गई है, तो ज़रूर करें। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें बटन वाला नेक बनाएं, आपकी मर्ज़ी इसमें जो भी डिज़ाइन बनाएं, आप पहले सबसे पहले नंबर पर आपने इसकी नेक तैयार करनी है, ये बात तो एक्सप्लेन हो ही गई है। तो जनाब कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई चीज़ रह गई है तो बिल्कुल से आप उसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।